हेलो दोस्तों, आज मैं इस फ्रूट केक को कैसे बनाना है और उसके अंदर का ये जो व्हाइट स्पॉन्ज कैसे बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कितना कितना लगता है और इसका व्हिपिंग क्रीम कैसे बनाना है और कलर्ड व्हिपिंग क्रीम कैसे बनाना है और उसका जो टेक्सचर साइड वाला कैसे बनाना है, सारे चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले थिक बॉटम वाला बर्तन लेके 2 कप सॉल्ट ऐड करके एक स्टैंड रख के 5 मिनट गर्म करना है। व्हाइट स्पॉन्ज बनाने के लिए 50 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लेना है, 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क लेना है मिठाई मेड, इसके साथ 1/4 कप पिटी शुगर आइसिंग शुगर, वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून, केक जेल नहीं तो कॉर्नफ्लोर 1/4 टीस्पून। दोस्तों, इन 4 चीज़ों को आप मिक्सर की सहायता से, नहीं तो बीटर रहेगा तो बीटर की सहायता से अच्छे से मिक्स करके लेना है। अगर आप बीटर यूज़ कर रहे हैं तो हर 1 मिनट में बीटर को बंद करके यूज़ कीजिए, अदरवाइज आपका बीटर गर्म होके ख़राब होने का चांसेस है। अभी हम ऐड करेंगे इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, 1/4 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, एक स्पैचुला की सहायता से साइड में लगा हुआ आटे को पूरा सेंटर में लाके उसको 1/2 कप सोडा वाटर डाल के मिक्स करके लेना है। यहाँ आप बीटर या चम्मच की सहायता से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि एक ही डायरेक्शन में ये आटे को मिलाना है। क्लीन करने के लिए स्पैचुला का यूज़ कीजिए। केक बनाने के लिए केक टिन लेना है, ऑयल या बटर से ब्रश करना है। बटर पेपर रहेगा तो उसको डाल के आप वो मिक्सचर को केक टिन को ट्रांसफर करना है। ये प्रोसीजर को आपको फास्ट फास्ट करना होगा। 2 बार केक टिन को टैप करके जो प्री हीट किया हुआ बर्तन के अंदर रखना है। क्लोज करके 5 मिनट फ्लेम को हाई करना होगा, 35 to 40 मिनट्स लो फ्लेम में बेक करना होगा। 35 मिनट्स के बाद केक को चेक कीजिए, आप शार्प वाला ऑब्जेक्ट को लेके केक पक गया क्या नहीं। यहाँ मैंने फ्रीजर में रखा हुआ 2 कप प्रोपोलाइट का व्हिपिंग क्रीम लिया है, बीटर की सहायता से इसे लो स्पीड में 2 मिनट तक बीट करना है। क्रीम की स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ 1/4 कप शुगर पिटी शुगर ऐड किया है। अभी बीटर को हाई स्पीड में 3 मिनट चलाना होगा। टोटल 5 से 6 मिनट लगेगा आपकी क्रीम परफेक्ट बनने के लिए। देखिए, इस तरह बीट करके लेना है। अभी आप चेक कीजिए आपकी क्रीम इस तरीके से बनना है। फ्रूट केक बनाने के लिए हमें 3 टाइप की क्रीम की जरूरत होगी। पहले हम पाइनएप्पल फ्लेवर्ड क्रीम रेडी करेंगे। पाइनएप्पल फ्लेवर्ड व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए 1 कप व्हिपिंग क्रीम, 1/4 कप पाइनएप्पल क्रश लिया है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड व्हिपिंग क्रीम के लिए 1 कप व्हिपिंग क्रीम और 1/4 कप स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के मिलाना है। यहाँ क्रश के बदले में आप फ्रेश फ्रूट पल्प भी ले सकते हैं, लेकिन उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है। अभी मैंने एक टर्निंग टेबल लिया, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा और इसके ऊपर अपना व्हाइट स्पॉन्ज केक लिया है। बड़े चाकू की सहायता से इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कीजिए। देखिए, परफेक्ट मेजरमेंट में स्पॉन्ज अच्छी सॉफ्ट बनती है। केक के क्रम्स को हटा के उसी जगह में थोड़ा सा क्रीम डाल के आप एक लेयर को फिक्स कीजिए। 1/2 कप वाटर में 2 चम्मच शुगर डाल के शुगर सिरप रेडी करना है। इस शुगर सिरप से केक के स्पॉन्ज को पूरा गीला करके लेना है। केक लेयर को मॉइस्ट करने के बाद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला क्रीम से इसे फिल करना है। बॉटम वाला लेयर को मैंने स्ट्रॉबेरी क्रीम से फिल किया। यहाँ मैंने पैलेट नाइफ की यूज़ किया, आप आपकी कोई भी फ्लैट वाला चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने दूसरा लेयर को लूँगी, इसे आप क्रीम के ऊपर प्लेस करना होगा। हल्का सा इसे प्रेस करके इसको फ्लैट करके लेना है। अभी सेम प्रोसीजर शुगर सिरप से गीला करना होगा। अभी पाइनएप्पल फ्लेवर्ड व्हिपिंग क्रीम डालूंगी। अभी क्रीम को स्प्रेड करना होगा।
पैलेट नाइफ या फ्लैट वाला कोई भी चम्मच से कर सकते हैं। ये सबसे टॉप लेयर है, इसे मैं उल्टा करके प्लेस करूंगी। इसे भी थोड़ा हल्का सा प्रेस करके शुगर सिरप से गीला करके लेना है। अभी मैं फाइनल टच के लिए व्हाइट फ्रेश क्रीम से सारा स्पॉन्ज को फिल कर दूंगी। पैलेट नाइफ की वजह से आपकी केक में फिनिशिंग अच्छा आता है। केक की फिनिशिंग के लिए आप कोई भी कार्ड की यूज कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड या क्रेडिट कार्ड या होल्ड कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। देखिए, कार्ड से हमारा केक को फाइनल टच अच्छा आता है। किधर भी क्रैक दिखेगा तो आप थोड़ा सा पानी की सहायता से टचअप कर सकते हैं। टर्निंग टेबल नहीं है तो आप टम्बलर के ऊपर एक खाने का प्लेट रख के उसके ऊपर बोर्ड रख के उसके सहायता से भी आप केक बना सकते हैं। बॉटम वाला टेक्सचर के लिए मैंने यहाँ जिगजैग वाला कार्ड लिया है। आप नया कोम की इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे अपनी केक में फिनिशिंग आता है। देखिए इस तरह से। अभी सेट होने के लिए 10 मिनट फ्रिज में रखना है। पिंक कलर के क्रीम के लिए मैंने यहाँ टोमेटो रेड कलर की 2 ड्रॉप्स मैंने व्हिपिंग क्रीम में मिलाया है। इसे मिक्स करके आप डार्क या लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ फ्लावर वाला नोजल यूज किया है। आप आपके हिसाब से कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं। फ्लावर से फिल किया है। बॉटम को भी आप धीरे से प्रेस करके खींचना होगा। थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके खींचो। लीफ नोजल यूज किया मैंने लीफ बनाने के लिए। बाकी ग्रीन कलर का क्रीम, वही प्रोसीजर। आपके पास ग्रीन कलर रहेगा तो आप 2 ड्रॉप्स व्हाइट क्रीम में मिलाओ और यूज करो। डेकोरेशन के लिए आप कोई भी कलर का बॉल्स यूज कर सकते हैं। ये सारा शॉप्स में मिल जाएगा। आप सिल्वर कलर चाहिए तो या कोई अलग कलर चाहिए तो मिल जाएगा। देखिए कितनी आसान है आपकी मनपसंद की केक को मनपसंद के कलर के साथ बनाना। आई होप मेरी ये केक मेकिंग की वीडियो बहुत जन को हेल्पफुल होगा। आप भी आपके केक के फोटो पिक मेरे ग्रुप में शेयर कीजिए।